नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार के नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका, आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश कोर्ट ने किया रद्द। कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, लश्कर के 2 पाकिस्तान आतंकियों को किया ढेर। प्री मानसून की हुई शुरुआत, दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में बदला मौसम, पहाड़ों में हुई बर्फबारी। तो सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रियासी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इसके बाद से जांच जारी है कि आखिर कौन है जो देश में अशांति फैलाना चाहता है। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इन सब के बीच अब आतंकवादियों से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। 9 जून को दिल्ली में मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे। उधर रियासी में आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे दिया था। आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग की, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। रियासी आतंकी हमले के मामले में SSP मोहिता शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे और हमले के समय उनकी मदद करने वाला एक स्थानीय व्यक्ति भी मौजूद था। सस्टेन्ड इंटेरोगेशंस हुई हैं उनकी और उसी में हमें ये एक आज बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा, उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। बता दें कि इस हमले के बाद से ही इसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने का दावा किया जा रहा था। पाकिस्तान पर शक तब ज्यादा गहरा हो गया था जब जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी के बैग से पाकिस्तानी चॉकलेट और पाकिस्तानी दवाई मिली थी। इसके बाद से जांच में ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि आखिर कौन है जो इन आतंकियों की मदद कर रहा था। और अब पुलिस के हाथ जानकारी लग चुकी है कि मात्र 6,000 रुपए के लिए एक शख्स ने आतंकवादियों को मदद पहुंचाई थी। अभी तक जो इसने डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं उसके हिसाब से 3 बारी उसके घर पे ये लोग आए हैं अलग अलग डेट्स पे, जो कि इंसिडेंट से पहले के ही कुछ दिन पहले की डेट्स हैं। और जस्ट 1 डे प्रायर टू द इंसिडेंट ये उसके घर में पूरा दिन रहे हैं और उसको साथ लेके उस स्पॉट पे वो लोग गए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की मदद करने वाले हकीम दीन को गिरफ्तार कर लिया। अब मामले में आगे की पूछताछ चल रही है, देखना होगा कि अब और क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV। कटरा जाने वाली भक्तों की बस पर हमला किसने और क्यों किया, इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। वैसे बड़ा दावा तो बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी किया है। दरअसल उन्होंने तो सीधा तेजस्वी यादव पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मामले की सुनवाई हुई तो तेजस्वी को लेकर आखिर क्या बोले विजय सिन्हा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, देखिए खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां लगातार सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इन सबके बीच बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के PS प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने नीट और मंत्री NH कनेक्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने मामले की विभागीय जांच कराई है, इसकी पूरी तहकीकात हो, इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ
इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में अमूमन जो मंत्री रहते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि पूर्व मंत्री को भी मंत्री जी बुलाया जाता है। इसी तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने बुकिंग कराई। अब विजय सिन्हा के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल उनके इस दावे ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया है। वहीं दूसरी तरफ नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और SVN भाटी की बेंच 4 याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली NTA की अर्जी पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। NTA को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, चिंता ना करें। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को री एग्जाम होगा। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV। बिहार में सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है तो वहीं केंद्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर है। विपक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है कि NDA की नई नवेली सरकार गिर जाए। पिछले दिन जहां राहुल गांधी ने NDA सरकार के गिरने का दावा किया था, वहीं अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आ गया है। आखिर क्या बोले संजय राउत, देखिए रिपोर्ट। देश में जब से NDA की सरकार बनी है, विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सरकार गिर जाएगी। हाल ही में राहुल गांधी ने एक साक्षात्कार में ऐसा ही दावा किया था। उनके इस दावे ने देश में नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच अब उद्धव की शिवसेना की नेता संजय राउत ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी नजर NDA के सहयोगी दलों पर है। इंडिया गाड़ी के पास तो इंडिया गाड़ी के लोग एक साथ बैठेंगे, फिर राहुल गांधी जी, खड़गे जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, सब हम एक साथ बैठकर ममता जी उस बारे में निर्णय लेंगे। अगर कोई मौका मिलता है लड़ाई का तो जरूर हम नहीं छोड़ेंगे मौका। अगर तेलुगु देशम का कोई अलग मार्ग इस बारे में आता है सामने तो इंडिया आघाड़ी में उसके ऊपर चर्चा होगी और हमें पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जब मौका मिलेगा तो वो NDA सरकार को गिरा देंगे। बता दें कि संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब खुद राहुल गांधी ने खुद ये दावा किया था कि NDA की सरकार बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी में गिर जाएगी। दरअसल जिस दिन से सरकार बनी है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि NDA में लोकसभा स्पीकर पद को लेकर पेंच फंस सकता है। TDP स्पीकर पद की मांग कर रही है जबकि BJP ऐसा करना नहीं चाहती। इसलिए कयास है कि अगर दोनों के बीच बात नहीं बनी तो BJP को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि गठबंधन में BJP के बाद TDP ही सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए विपक्ष TDP पर नजर गड़ाए हुए है। अब देखना होगा विपक्ष को कोई सफलता मिलती है या नहीं। राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत के बयान ने सनसनी मचा दी। इधर देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। जनता पानी की कमी से त्राहिमाम कर रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। इन सब के बीच अब संजय सिंह को वीडियो जारी करके इंडिया गठबंधन से ही अपील करनी पड़ गई। संजय सिंह ने क्या की अपील, देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों से अपील भी की। इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अनुरोध और विनती करूंगा कि इस लड़ाई में आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। आप सांसद ने आगे कहा कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब कोई कैबिनेट मंत्री जल के लिए भूख हड़ताल पर बैठने जा रही है।
उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें सजा दें, लेकिन दिल्ली के हक के लिए वो हमारे साथ आएं और आतिशी के इस अनशन में हमारा सहयोग करें। यही नहीं, संजय सिंह ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों के पीने का पानी रोकना कितना बड़ा गुनाह है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार दिल्ली के लोगों का गुनाह क्या है। उन्होंने सातों की सात सीट भाजपा को जिताने का काम किया है तो फिर जनता को किस बात की सजा दी जा रही है। तीन बार से दिल्ली के लोग लगातार आपको जिता रहे हैं, आप किस बात की सजा दे रहे हैं? आखिर गुनाह क्या है दिल्ली के लोगों का? आपने दो दो मंत्री बना दिए, एक भी मंत्री दिल्ली के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है कि हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हम कोई आपसे अतिरिक्त मदद नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिस्से से ज्यादा पानी आप हमको दीजिए, हम कह रहे हैं 100 MGD पानी जो दिल्ली के लोगों का हक है, अधिकार है, लिखा पढ़ी में है, जो हमको मिलना चाहिए, जो वर्षों से मिलता रहा है, वो आप क्यों रोक रहे हैं? बता दें कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आम जनता पानी के लिए तरस रही है, जिसके तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली की जनता को राहत कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। और बुलेटिन के आखिर में बात विदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे देशों के दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया का दौरा खत्म करने के बाद अब वो वियतनाम पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने उप प्रधानमंत्री ट्रॉन होंग हा से मुलाकात की। कैसी रही ये मुलाकात और कैसा हुआ पुतिन का स्वागत, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया का दौरा खत्म करने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन वियतनाम पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरे के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अचानक पुतिन पुराने दोस्तों से मिलने क्यों जा रहे हैं। इसको लेकर जानकारों का दावा है कि यूक्रेन से अपने बढ़ते विवाद को देखते हुए पुतिन अपने पुराने मित्रों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ट्रान होंग हा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग CPV केंद्रीय समिति के प्रमुख ली होआई ट्रांग और वियतनाम के डिप्टी विदेश मंत्री ले थी थू हैंग ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने वियतनाम के चार नेताओं से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रपति देश की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के चेयरमैन का नाम शामिल है। वो सोवियत और रूसी यूनिवर्सिटी के स्नातकों से भी मिलेंगे। इससे पहले पुतिन उत्तर कोरिया गए थे, जहां उन्होंने रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर किसी गंभीर स्थिति में पारस्परिक सहायता के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसी के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन से बढ़ते विवाद को देखते हुए पुतिन इस दौरे पर निकले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।